बास्केट चाट कैसे बनाते हैं उसके लिए हमें आलू की टोकरी बनानी पड़ती है। आलू टोकरी बनाने के लिए हमने दो आलू लिए हैं जिनको हम घिस लेंगे। और घिसेंगे हम थोड़ा मोटी की तरफ से, ऐसे ही हमको अपने दोनों आलू छील के घिस लेना है। आलू जो हमने घिसे थे हमने इनको पानी में डाल दिया, अब इनको हम अच्छे से धो लेंगे ताकि इनका स्टार्च निकल जाए। ये हमने आलू के लच्छे अच्छे से धो लिए ताकि इनका स्टार्च निकल गया। अब इनको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इनका पानी अच्छे से निकल जाए। ये हमने जो आलू घिसे थे उनके लच्छे तैयार हो गए, इनका पानी भी निकाल लिया। अब हम इसमें 3 चम्मच अरारोट डाल लें, फिर इनको हम अच्छे से मिला देंगे। और 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा पीला रंग खाने वाला है, आपको डालना हो तो डालिए वरना मत डालिए। ये देखिए हमारे लच्छे में हमने अरारोट मिला दिया है, अभी अच्छे से मिल गया। अब हमने इधर कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, देखिए हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। अब हम इसमें अपनी बास्केट बना के डालेंगे जिसमें मैंने ये चलनी ली है। आपके पास अगर चाय वाली चलनी है तो वो भी आप लेके बना सकते हैं। इसको ऐसे करके इसमें बिछाना है। इसके ऊपर भी चलनी लगानी है, कढ़ाई में डालना। ये देख रहे हैं हमारी टोकरी अच्छे से तैयार हो गई। ये देखिए हमने जो टोकरी बनाई थी वो बन गई है। अब हम इसको आराम से निकालेंगे, तो ऐसे पलट के ये देखिए कितनी अच्छी टोकरी हमारी बनी है। देखिए हमारी बास्केट चाट तैयार है, देखने में जितनी अच्छी है उतना खाने में भी